उत्तर पूर्वी दिल्ली के करावल नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत शिव विहार इलाके में मोटरसाइकिल सवार एक युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई और भारी पत्थर से उसका सिर कुचला गया, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि कुछ लड़के ताबड़तोड़ दीपक पर चाकू से वार करते हैं और पत्थर से कुचलते हुए नजर आ रही है। इस पूरे मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी गयी है और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान किशन दीपांशु और दीपक के रूप में हुई है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी डॉक्टर जॉय टीकरी ने बताया है कि मंगलवार रात को 2 बजे दीपक अपनी मोटरसाइकिल से शिव विहार स्थित रामलीला ग्राउंड के पास से गुजर रहा था, तभी लड़कों ने उसे रोक लिया। वे भी मोटरसाइकिल पर सवार थे। सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि उन्होंने उस पर कई बार चाकू से वार किए और उसके सिर को स्लैब से कुचल दिया। दीपक को जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।